वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। स्वागत है तुहाडा सब दा ब्रीफ पंजाब चैनल विच। दोस्तों, जिस तरह तुसी जानते हो कि जदों तो श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींह रखी और उन्होंने नाल भाई मरदाना जी हर वक्त रहे। जदों श्री गुरु नानक देव जी बाणी उचारदे सन तां भाई मरदाना जी रबाब वजाउंदे सन। गुरु साहब कहिंदे सन कि मरदानिया रबाब वजा बाणी आई है। भाई मरदाने तो लैके ही सिख धर्म के ढाडी वारा कबीशरी कीर्तन गाउण वाले सिखा दे उच्चे स्थान के उत्ते रहे हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत समाउण तो बाद जिस वेले खालसा जुल्मां नाल टक्कर लैंदा सी अते जंगलों बीड़ इलाकों में रहिंदा सी तां उस वेले भी ढाडी कबीशरी वारा सुन के ही सिख वीर रस में भर जाते सन अते लखां दुश्मनों के कल्ले भारू पै जाते सन। सिख धर्म हमेशा ही ढाडी वारा गाउण वाले कबीशरी गाउण वालियां नूं माण सत्कार दिंदा रहा है। अज की वीडियो में असी तुहानूं दसांगे पंजाब दे एक ऐसे महान ढाडी वारा गाउण वाले अते ढाडी कला दे सिरमौर बापू सोहण सिंह सीतल बारे। जानो ज्ञानी सोहण सिंह सीतल की जिंदगी बारे अते उन्हां वल्लों अपनी जिंदगी विच कीते संघर्षां बारे। सो दोस्तों, सब तो पहला तुहानूं बेनती है कि कृपा करके वीडियो पूरी सुनियो अते वीडियो पूरी सुन तो बाद अगे शेयर जरूर कर दिओ। हुण आपां अपनी अज दी वीडियो शुरू करदे हां। ज्ञानी सोहण सिंह सीतल का जन्म 7 अगस्त 1909 नूं पिंड कादीविंड तहसील कसूर जिला लाहौर पाकिस्तान विच होया। उन्हां दे पिता का नाम सरदार खुशहाल सिंह पन्नू अते माता का नाम दयाल कौर सी। पिंड दे ग्रंथी पासों पंजाबी पढ़नी सिखी। 1930 गौरमेंट हाई स्कूल कसूर तो 10वीं 1933 पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर तो ज्ञानी की प्रीख्या पास कर ली। ज्ञानी सोहण सिंह सीतल उदों मसा को 13 साल के सन जदों उन्होंने अपनिया कवितावां लिखनिया शुरू कर दित्तियां सन। उन्हां वल्लों लिखिया कई कहानियां जो मासिक पत्रकां विच भी छपदियां सन। 8वीं पढ़द्या ही सीतल जी का विआह बीबी करतार कौर दे नाल होया। ते समय दे नाल उन्हां घर 4 बच्चियां ने जन्म लिया जिन्हां विचों 3 पुत एक धी सी। इस तो बाद ज्ञानी सोहण सिंह सीतल ने पिंड ललिहाली के बजुर्ग मुसलमान बाबा चिराग दीन पासों ढड अते सरंगी की सिखलाई ली। 1935 अपना एक ढाडी जथा बनाया अते सिख इतिहास अते हिंदी पंजाबी उर्दू अंग्रेजी भाषावां दे ज्ञाता सीतल जी ने सिख धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिता। उन्हां दा अंदाजे बयान बहुत ही प्रभावशाली सी। सीतल जी ने 22 नावल भी लिखे जिन्हां विचों जंग जां अमन, तूतां वाला खूह अते जुग बदल गया बहुत प्रसिद्ध होए। 1947 होई दोहां पंजाबां दी वंड समय उन्हां नूं वी वाहवा संताप विचों लंघना पिया। उस समय दी जन समूह पीर नूं पहचाणदिआं उस विछोड़े नूं पहचाण के उन्हां ने पंजाब दा उजाड़ा किताब लिखी। सीतल जी ने धन गुरु नानक देव जी तो लैके 1947 तक का इतिहास बड़ी खोज नाल लिखिया भी अते ढाडी वारा राही गा के बयान भी किया। सिखी दे प्रचार लई ओह कई वख-वख देशां विच भी गए। सिख मिसलां शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, दुखीए मां पुत महाराणी जिद्दां ते महाराजा दलीप सिंह, सिख राज किवें बणिया अते सिख राज किवें गया आदिक किताबा उन्हां दीआं बहुत ज़्यादा प्रचलित होईआं सन। अपनिया इन्हां रचनावां नाल ज्ञानी सोहण सिंह सीतल जी ने सिख धर्म अते विद्या दे खेतर विच बहुत वड्डा वडमुला योगदान पाया। इस दे बदले सीतल जी नूं कई पुरस्कारां नाल भी नवाजिया गया, जिवें भाषा विभाग वल्लों काले परछावे नावल नूं पुरस्कार 1962 विच दित्ता गया। भारतीय साहित्य अकैदमी दिल्ली वालों अवार्ड 1974 दिता गया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब वालों श्रोमणी ढाडी पुरस्कार 1999 दिता गया। भाषा विभाग पंजाब वालों श्रोमणी ढाडी नाल सन्मान 1983 ज्ञानी जी का किया गया। पंजाबी साहित्य अकैदमी लुधियाणा वालों करतार सिंह धालीवाल पुरस्कार 1983 ज्ञानी सोहण सिंह सीतल नूं दिता गया। 1993 श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार सन्मान उन्हां नूं दिता गया। पंजाबी साथ लांबड़ा वल्लों भाई गुरदास जी पुरस्कार
1994 बापू जी नूं भेट किया गया। एक नावलकार कहानीकार प्रसिद्ध ढाडी साहित्यक प्रेमी ते गुरु प्यारे बाबा सोहन सिंह सीतल जी करीब 99 साल की उम्र में 23 सितंबर 1998 ईस्वी मीनू इस स्थानी संसार तो रुखसत हो गए, पर वो अज भी अपनिया रचनावां दे सदका जिउंदे हन क्योंकि उन्होंने लिखा सी कि सीतला सदा जहान ते जीवदा है जिहदा मर गया पिछे जस होवे। ऐसे महान विद्वान गुरसिखां दे चरणां ते वार वार नमस्कार। ढाडी सिंघां दे लई सिख प्रचारकां लई ज्ञानी सोहन सिंह सीतल हमेशा तो ही प्रेरणा स्रोत रहे हन ते हमेशा ही रहणगे। अज भी तकरीबन पंजाब दे सारी ढाडी जथे 50 तो 60% लैके बापू सोहन सिंह सीतल दीआं ही रचनावां नूं स्टेजां उत्ते गा रहे हन। साडा सब दा उन्हां नूं दिलों सजदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।